हम वीआईपी नहीं हैं कि आज 4000 निकालने के लिए हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल उठते हैं, ये नोटबंदी कहां से आ गई भाई? पर जब मातृभूमि रोती है, जब जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं, जब जवानों पे रोज गोलियां चलती हैं, जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के झंडों को आग लगा दी जाती है, उस वक्त मातृभूमि नहीं रोती है क्या? उस वक्त मातृभूमि रोती है? उस मातृभूमि का किसी को फिक्र नहीं? फिक्र तो हमें अपना है, कहां खुला खर्च करते थे, आज लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हिंदुस्तान का कई पॉलिटिशियन अपनी जिंदगी को 200 साल तक ले गए, आज हम ये करेंगे, आज हम मेयर बनेंगे, कल हम एमएलए बनेंगे, फिर हमारी बहू बनेगी, फिर मेरा बेटा बनेगा, फिर अगला बेटा जन्म लेगा, फिर वो बनेगा, फिर हम प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बनेंगे, यही सोचते हैं क्या? पर जवान का बेटा, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, आगे जनरेशन, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे गांव हैं, अमरावती के पास होंगे, औरंगाबाद के पास होंगे, गांव का गांव ही शहादतों का है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, पिता हैं। मैं उस गांव में जाके देखा, और अरब अभी भी नई जनरेशन अगली फौज में जाने के लिए महाराष्ट्र के गांव से छाती चौड़ी करके तैयार खड़ी है। उन जवानों के परिवारों का शुरू से लेके आज तक आगे तक कुर्बानी देना मातृभूमि की रक्षा के लिए, और हमारा काम है नेता दर नेता, नेता दर देता तैयार होना है। हम क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, हम खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है, हमारे मातृभूमि का दुनिया में नाम ऊंचा करते हैं। 2 मिनट के अंदर डीएसपी की नौकरी मिल जाती, 2 मिनट के अंदर बड़ा पद मिल जाता है, करोड़ों रुपया दे दिया जाता है, हम खिलाफ नहीं है। वो भी शान है जो दुनिया के अंदर मातृभूमि को नाम ऊंचा करते हैं, पर हमारा जवान कुर्बानी देता है मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए, मौत का कफन बांध के जाता है, तनख्वाह के लिए नहीं जाता है, मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता है। पर जब उसकी शहादत होती है, हम नेता लोग बहुत जाते हैं, हमारी फोटो खींचती है, टीवी में आता है, हम बड़े वादे करते हैं, पर जब वक्त गुजरता है, उस जवान की पत्नी की, उसके बच्चों की हालत क्या होती है, उसका दर्द मैं जानता हूं, कोई नहीं पूछता है, दर 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 भटकना पड़ता है। उस शहीद की पत्नी को तान में शहीदों के पार्लियामेंट, कारगिल के शहीदों के, सबके अपने नाम के पंप हैं, गैस एजेंसियां हैं, हमने संघर्ष करके उस वक्त उन पंपों को, गैस एजेंसियों को दिलवाया था, पर हिंदुस्तान के अंदर एक शहीदों के परिवार हैं 26/11 के, जिनके नाम का कुछ नहीं, वो सरकार के नाम का है, उन सरकार के नाम का है, किसी ने उस वक्त कोशिश नहीं की कि इनके पंप, इनकी एजेंसी, हर चीज इनके नाम की हो, ताकि आगे जनरेशन के काम आए, किसी के नाम का कुछ नहीं। मैं असलियत बता रहा हूं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, जीवन बहुत छोटे हैं, हम जीवन को कभी लंबा नहीं समझना चाहिए। ना चाहूंगा कि एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी मत दो कि एक ही आदमी हिंदुस्तान को ठीक करेगा, नरेंद्र मोदी जी अकेले करेंगे, नोटबंदी के ऊपर भी बुरा बुरा लोगों से सहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी बुरा बुरा सहेंगे, क्या क्या लोग कमेंट कर देते, पर कभी सोचा नरेंद्र मोदी जी का अपना इंटरेस्ट क्या है? उनका अपना कोई इंटरेस्ट है तो मुझे बता दो, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चाहते हैं मैं बिगड़े हुए भारत को, जो पिछले टाइम के अंदर कितने सालों से घुटाले होते रहे, मैं उसको लेबल पे लाना चाहता हूं। कड़वा गुट हमें भरना पड़ेगा, पर आने वाली जनरेशन के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं। हम तो अभी पीड़ा में आएंगे क्योंकि हम बिगड़े हुए माहौल में थे, पर नई जनरेशन के लिए एक ऐसा भारत बनेगा
जो एक इतिहास होगा, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी हमारे दुश्मनों की हमारी तरफ देख ले। कहते थे रोज विदेशों के दौरे, हिंदुस्तान में बाढ़ आ रही है, हिंदुस्तान में सूखा पड़ा है, हिंदुस्तान में पानी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के दौरे विदेशों में, आज पता चला है हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अंदर अरब कंट्री, दुबई, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सबको एक कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ और बता दिया पाकिस्तान आतंकवादी देश है, इसको आतंकवादी देश घोषित करो। जब सार्क कंट्री की मीटिंग हुई, ना बांग्लादेश गया, ना नेपाल गया, ना हिंदुस्तान गया, ना श्रीलंका गया, अकेला पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया, वो नरेंद्र मोदी है। आज ट्रंप ने क्या किया, पाकिस्तान की एंट्री बंद कर दी। क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और उसके बाद हाफिज को, पाकिस्तान को मजबूरन जेल में बंद करना पड़ा और हाफिज का भी वही हाल होगा जो ओसामा बिन लदेन का हुआ था। करना है वो हमें दिल से करना होगा। मैंने वर्दी तो नहीं पहनी, जवान वर्दी पहन के लड़ते हैं, मैं वर्दी के बगैर लड़ा हूं और वर्दी के बगैर लड़ता रहूंगा, अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा और नई जनरेशन को बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि वर्दी पहन के लड़ना है, अगर वर्दी नहीं पहनी तो वर्दी के बगैर भी मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए हमने अपने कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा।